क्या बनेगी सरकार, कैसे बनेगी सरकार, कौन होगा मुख्यमंत्री? बड़ा तेज बैठकों का दौर चल रहा है मुंबई की सियासी हलचल पर हमारी सुबह से नजर है। इस बीच दिल्ली में भी दिग्गजों के बीच माथा पच्ची चल रही है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के बीच दिल्ली में करीब घंटे भर की बैठक चली। बैठक में महाराष्ट्र सरकार और सीएम को लेकर चर्चा हुई, कई और अहम विकल्पों पर भी विचार हुआ। कौन होगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, किसके साथ बीजेपी बनाए सरकार, शिवसेना से समर्थन को भी लेकर हुई बातचीत। शिवसेना ने बिना शर्त समर्थन पर भी चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने एनसीपी के उस ऑफर पर भी चर्चा हुई जिसमें प्रफुल्ल पटेल ने बिना शर्त समर्थन देने की बात कही थी। अमित शाह और नितिन गडकरी के बीच इस विकल्प पर भी विचार हुआ कि सदन में बीजेपी सीधे बहुमत साबित करे। गडकरी के घर पर बैठक हुई, खुद बीजेपी अध्यक्ष वहां पर पहुंचते हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ मौजूद है। हिमांशु, सीधे सीधे जानूंगा, मुलाकात हुई, क्या बात हुई? देखिए निशांत, मैं आपको बता दूं कि ये मुलाकात एक घंटे से ज्यादा चली। अमित शाह आए थे महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर आगे की स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। वो चाहते हैं कि नितिन गडकरी महाराष्ट्र में जब सरकार बने तो उसमें मेन रोल में आए। कल पार्टी की तरफ से पार्लियामेंट्री बोर्ड ने उनको ऑफर किया था कि वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। पार्लियामेंट्री बोर्ड के बाद खुद अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी के बीच में करीब 20 मिनट बातचीत हुई थी। उसमें नितिन गडकरी ने साफ एक चेहरे से इनकार कर दिया था कि मुख्यमंत्री वो नहीं बनना चाहते हैं, वो दिल्ली में जिस भूमिका में है उसी में रहना चाहते हैं। लेकिन जो सिचुएशन पार्टी के सामने है वो ये है कि उनको किसी ना किसी पार्टी का समर्थन चाहिए महाराष्ट्र में, और ऐसे क्रूशल सिचुएशन में पार्टी को आगे लेके जाना उसके लिए कदावर नेता की जरूरत है। गोपीनाथ मुंडे के बाद अगर कोई पूरे महाराष्ट्र को समझता है और वहाँ की राजनीति की हर चीज़ से वाकिफ है तो वो नितिन गडकरी हैं। और हमारे सूत्र बताते हैं कि मुंबई के अंदर जो बैठकें हुई कल, उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि पार्टी को, सेंट्रल लीडरशिप को ये कन्वे किया जाए कि नितिन गडकरी को अगला मुख्यमंत्री के तौर पर भेजा जाए। नितिन गडकरी मना कर चुके हैं, अमित शाह उनसे बात करने आए थे। अमित शाह उनको मनाने आए थे कि देखिए आपको अब मुख्यमंत्री की तैयारी करनी होगी, लेकिन अमित शाह पहले भी मना कर चुके हैं। उसके बाद शिवसेना का किस तरीके से आगे रोल रहेगा, सरकार के अंदर उनका समर्थन लेना है या बाहर से जो एनसीपी समर्थन दे रही है उसको लेकर, या फिर अकेले उनको जाके जो है फ्लोर के ऊपर बहुमत सिद्ध करेंगे, इन सारी चीज़ों को लेकर आज बैठक हुई और उसमें तमाम तरीके के विषय हैं। अमित शाह ने नितिन गडकरी से बातचीत की है। अब देखना यह है कल जब पार्टी के दो ऑब्जर्वर, गृहमंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा जब जाएंगे वहां, विधायक दल की बैठक लेंगे, उसके बाद जो फीडबैक होगा वो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ प्रधानमंत्री के साथ चर्चा करेंगे और उसके बाद जो अंतिम निर्णय होगा पार्टी की तरफ से लिया जाएगा। लेकिन पार्टी आलाकमान ने नितिन गडकरी को एक ऑफर कर चुकी है कि उनको अगला मुख्यमंत्री बनना चाहिए। निशांत, मैं आपसे बहुत संक्षेप में पूछूंगा, बहुत संक्षेप में, नितिन गडकरी मना कर चुके हैं, क्या फिर से इस पर चिंतन कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल चिंतन पार्टी के अंदर चल रहा है, और अगर नितिन गडकरी ने कल मना किया था, अमित शाह का आ जाना ये संकेत देता है कि कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर उनको मनाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए अब आपको मानना होगा, पार्टी के सामने समस्या ये है कि कोई ऐसा बड़ा नेता वहाँ पर महाराष्ट्र में नहीं है बीजेपी के पास जो गठबंधन की सरकार चला सके, और जो शिवसेना या एनसीपी को साथ लेकर कैसे चलना हो उसको लेकर चलने की जो कुवत है वो पूरी पार्टी को नजर आता है कि नितिन गडकरी के अंदर है, और इसीलिए अमित शाह आज उनसे मुलाकात करने आए थे और आगे की रणनीति को लेकर उन्होंने पूरी तरीके से बातचीत की। ये अपने आप में एक बीजेपी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए चुनाव जिताने में अमित शाह और बल्कि उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की कैंपेनिंग और उनके जो प्रोमिसेस हैं, उनके जो वादे हैं, वो काम कर गया, लेकिन अब वहां पर नेता कौन सा लाए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। जो नेता के तौर पर है वो बनना नहीं चाहते, एक सवाल और उसका एक ही जवाब, महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा, इस पर सभी की निगाहें लगी है। जिस नाम को सबसे तगड़ा दावेदार बताया जा रहा है, हर बार उसका जवाब एक ही आता है, ना भाई ना। के दावेदार है मुख्यमंत्री बनेंगे महाराष्ट्र में आएंगे आप? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बनूंगा, मैं दावेदार भी नहीं हूं और मैं बनना भी नहीं चाहता हूं, कहने के बाद भी नहीं बनना चाहता हूं। मेरा प्रश्न है, मैं दिल्ली में हूं, जब मैं दिल्ली जाना नहीं चाहता था तब गया हूं, अब दिल्ली में मुझे जो काम मिला हुआ है मैं बहुत खुश हूं। देखो मैं पहले आपको बता चुका हूं, बार बार बता चुका हूं कि मैं दिल्ली में खुश हूं और दिल्ली में मैं अच्छा काम कर रहा हूं और मुझे यहां बहुत अच्छे अच्छे काम करने का मौका मिला है और मैं देश के लिए
गंगा जैसे बड़े बड़े प्रकल्पों का काम करना चाहता हूँ, और इसलिए बहुत पहले से मैंने कहा है कि मैं महाराष्ट्र में जाना नहीं चाहता। पार्टी इसके बारे में जो भी पार्लियामेंट्री बोर्ड है और हमारे नेता है उसका उचित निर्णय करेंगे। मैं 10 बार बता चुका हूँ कि मैं रेस में नहीं हूँ। महाराष्ट्र को लेकर बीजेपी की रणनीति पर हमारे संवाददाता रीमा पराशर ने बातचीत की बीजेपी नेता ओम माथुर से। हमारे साथ है ओम माथुर। ओम साहब, ये बताइए कि क्या हम ये माने कि कल तक जो बादल चल रहे हैं कि किसका साथ होगा, किसके साथ जाएंगे, वो सब बादल छट जाएंगे? बिल्कुल, बादल अभी भी छटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में सरकार बनने वाली है। एनसीपी और शिवसेना जो भी हो, महाराष्ट्र के विकास के लिए जो हमारा साथ देंगे, हम उन सबको साथ लेके सरकार बनाएंगे। संघ की तरफ से ये बयान आया है भैया जी जोशी का कि संघ कम से कम ये चाहता है कि पहले की जो युति थी आपकी शिवसेना और बीजेपी की, उन्हीं को साथ में सरकार बनाए। मेरी जानकारी में ने क्या बयान आया, लेकिन माथुर साहब ये बताइए कि अभी तक आप लोग बचते रहे थे, भले ही उद्धव ठाकरे ने तमाम आज सामना में भी चीजें लिखी हो कि अगर एक साथ आते तो शायद और ज्यादा सीटें लेकर के आता ये गठबंधन, इससे आप वाकिफ हैं? नहीं नहीं, मैं इन चीज़ों पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। वो क्या लिखे सामना में, क्या बोले, ये हमारा विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र की जनता ने बहुमत दिया है, उनको बड़ी पार्टी बनाया है और हम महाराष्ट्र के विकास के लिए सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन सॉफ्ट हार्ट जो है वो तो शिवसेना के लिए ऐसा माने दुश्मनी जो थी वो पॉलिटिक्स में कोई सॉफ्ट हार्ट नहीं होता है, सब सॉफ्ट है। इस समय महाराष्ट्र को विकास की ओर ले जाना है। माथुर साहब, अंतिम सवाल है कि बहुत सारे नाम चल रहे हैं, लेकिन सबसे आगे जो नाम चल रहा है वो देवेंद्र फडणवीस का है, क्या हम ये माने कि कुछ सहमति इस पर चल रही है दिल्ली में भी बैठ? पार्टी का श्रेष्ठ कार्यकर्ता सरकार का नेतृत्व करेगा, और ऐसा भी लग रहा है कि गठबंधन धर्म जो निभा पाए, जो इसको आगे ले जा पाए, ऐसा अनुभवी नेता चाहिए? सारे अनुभवी नेता जो जीत के आए वो सब हमारे अनुभवी नेता है। या तो ये है ओम माथुर, जिन्होंने ये संकेत जरूर दिए हैं कि कल तक पूरी स्थिति साफ हो जाएगी, और जहां तक नेता के चयन का सवाल है तो अनुभवी नेता सभी हैं, लेकिन कौन तय होगा ये कल ही तय हो पाएगा। रीमा पराशर, मुंबई आज। रीमा, क्या होने वाला है? देखिए, जश्न शुरू हो चुका है, जोश है, स्वागत है, जितने भी नए यहाँ पर विधायक चुनकर आ रहे हैं एक एक कर, आप देखिए कि किस तरह से मराठी स्टाइल में उनका स्वागत करने की यहाँ पर पूरी तैयारी है। वेशभूषा में यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं, तिलक लगाकर नए विधायकों का सम्मान किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है, और इसके बाद जब 3 बजे सभी यहाँ पर विधायक पहुँच जाएंगे तो एक विजय जुलूस निकाला जाएगा, जिसमें पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे, पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, और जाहिर तौर पर विधायक तो रहेंगे। लेकिन निशान, जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं कि सवाल अब सबके जहन में यही है कि गठबंधन तो हो ही जाएगा, उसकी चिंता तो चली रही है, लेकिन आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर अब ऊहापोह चल रही है। दिल्ली में जो बैठक हुई, जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं, चाहे वो गडकरी को मनाने की कोशिश हो, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो ये भी है कि अब अगर देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे चल रहा है तो उसको लेकर भी गडकरी से बातचीत की जा रही है। आपके पीछे जो तस्वीरें हैं, आपके पीछे जो तस्वीरें हैं, क्या उसको थोड़ा बता सकती हैं, दिखा सकती हैं? बड़ा वहां पर आपके पीछे बड़ा, जिसको कहते हैं पुराना मराठी उत्सव की तैयारी हो रही है, बड़ी परंपरा रही है महाराष्ट्र में इन सब वाद्य यंत्रों की, जरा दिखाएं उसको। बिल्कुल निशान, देखिए जैसा मैं आपको लगातार बता रही हूँ कि यहाँ पर जो स्वागत है वो उसी तरह से हो रहा है जैसा मराठी स्टाइल में होता है। वेशभूषा तो आप देख ही रहे हैं, जो महिलाएं खड़ी हैं उन्होंने मराठा स्टाइल की साड़ी यहाँ पर मराठी स्टाइल की पहनी हुई है, और तमाम जो विधायक हैं वो अपने अपने क्षेत्र से यहाँ सीधे पहुँच रहे हैं, और आज ही इलेक्शन कमीशन से जो उनका सर्टिफिकेट है वो सब तमाम जो काम है वो पूरे करने के बाद 3 बजे तक यहाँ पर। एक छोटा सा सवाल हम जानना चाहते हैं आपसे, मैं आपसे पूछूंगा ये सवाल, लेकिन मेरा सीधा सीधा सवाल यह है कि इस जश्न में क्या शिवसेना के लोग शरीक होंगे, शिवसेना के नेता शरीक होंगे या नहीं होंगे, या फिर टीवी पर बैठकर जलते भुनते रहेंगे और कल सामना में कुछ लिखेंगे?